दोस्तों आप देख रहे हैं बाबा फरीद काला पितर ग्रुप। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप भी खुश होंगे, आपके बहना भाई दोस्त यार बेली सब माँ बाप खुश होंगे और मैं भी खुश हूँ। दोस्तों देखती आंखों और सुनते कानों को दिल की गहराइयों के साथ अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों आज मैं एक पानी तितर के बुलारी के और मैदे के लिए बनाना चाहता हूँ, लेकिन लिखना है तो लिख लें, याद करना है तो कर लें मेरा भाई। आपने क्या करना है, एक खुशक आलू बुखारा पंसारी के पास से आपने लेना है। आलू बुखारा खुशक एक पंसारी से लेके और साथ आपने इमली का तकरीबन 3 माशे होनी चाहिए इमली, वो पानी में दोनों चीज़ों को भगो के रख दें। और साथ आपने क्या करना है, अनार दाना जो होता है अनार दाना वो भी पंसारी से आपको मिलेगा। 4 अदद पंसारी से वो तकरीबन 1 तोला ले लें, 2 तोले ले लें, लेकिन 4 दाने जो हैं वो आपने आलू बुखारा और इमली के साथ वो भी अनार दाने के 4 दाने आपने भगो देने हैं, 4 अदद वो बीच आप भगो देंगे। और साथ आपने क्या करना है, 1 चुटकी सफ़ेद जीरा वो भी साथ आपने डाल देना है। और आपने जंगली पुदीना मिल जाए तो क्या बात है, सोने पे सुहागा। जो जंगली ना मिले तो जो बाजारी होता है फिर यही ठीक है। आप गांव के रहने वाले हैं तो शायद जंगली पुदीना आप ढूंढ लें, ये जो नाले होते हैं पानी के पुराने नहर के पानी के, इनके ऊपर अक्सर ही होता है, सफ़ेद रंग के फूल निकालता है और पीले रंग के भी फूल निकालता है। तो 2 पत्ते वो जंगली ना मिले तो वो घर वाले ले लें आप, 2 पत्ते जंगली पुदीना मिल जाए ठीक है, नहीं तो घर वाला ही चलेगा, 2 पत्ते वो भी ले लें आप। उनको आपने क्या करना है, 2 पत्तों को 4 पीस यानी कि 1 पत्ते के 4 पीस बनाएंगे काट के, हाथ से ऐसे काट लें और दूसरे ऐसे करें, 1 पत्ते के 4 पीस बना के 2 पत्तों के 8 पीस बनेंगे, वो भी आपने भगो देने हैं। और 3 पत्तियां या 4 पत्तियां जो है देसी गुलाब जो होता है गुलाब का फूल, उसकी पत्तियां जो होती हैं जो फीकी गुलाबी होती हैं वो आपने देसी जो होता है गुलाब का मेरा भाई वो भी आपने 7-4 पत्तियां डाल देनी है। और इस पानी को रात को बना के रख लें और सुबह जो है ना आलू बुखारा जो खुश्क है उसका 4 मासे और 2 मासे इमली और उसके बाद 4 दाने अनार दाने के 4 पीस और गुलाब की 4 पत्तियां और 2 पत्ते आपने पुदीने के उनके 4 हिस्से 1 पत्ते के बनाने हैं। लेकिन दोस्तों ये पानी आपका बन गया तो आप इस पानी को रात को भगो के रखेंगे, सुबह वो आप कपड़े से छान लें किसी बोतल में पा लें तो मेरा भाई तितर आपका जो सुबह खुराक खिलाते हैं मूंग की दाल बादाम वगैरह, उसके बाद आपने जब मिट्टी देनी, मिट्टी देने के बाद आपने तितर को निकालना है तो ये पानी आपने डालना है। तो मेरा भाई जब आप ये पानी डालेंगे तो तितर जो बिट है वो बिल्कुल पतली करेगा, परेशान नहीं होना मैं हूँ आपके साथ, बिट पतली करेगा और पेट भर के पानी पिएगा। जब तितर पानी पेट भर के पिएगा तो फिर मेरा भाई बिट जो है उसकी पानी जैसी होगी, लेकिन वो 3 से 4 बिटे जो है वो ऐसी पतली करेगा और उसके बाद जो है तितर बिट सख्त करेगा और लंबी करेगा मोटी करेगा, उसका मैदा भी ठीक हो जाएगा और जो है उसके अंदर जो गर्मैश है हीट है मेरा भाई वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो पाकिस्तान दी जी आज़ाद, हमें पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़, बूढ़े का सलाम है।